फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे प्लांट्स और ये देखिए टॉमी के बच्चे बीच में आ जाते हैं। कितने मेरे गंदे हो गए हैं, आज मुझे इन सबको वॉश करना है। देखिए कितनी डस्ट जमी हुई है, अभी दिखाती हूँ धुलाई करते हुए। और तुम लोग चलो बाहर चलो, नहीं अभी कुछ नहीं मिलेगा, मैंने सुबह खिला दिया। तो पानी ले लें, अरे हट जाओ भाई, मतलब शैतानी करनी है, हटो। हाँ तो शुरुआत करते हैं। ठंड में धुलाई करना बड़ा टिपिकल काम लगता है, लेकिन पौधों को मजा आ जाता है। ये देखिए चमक आती जा रही है पौधों पे, और कई कई बार मुझे धोने पड़ेंगे। ये ओस जमती है, इस वजह से पौधे बहुत गंदे होते हैं, लेकिन धुलाई समय से बहुत ज़रूरी है। ये देखिए पौधे धुलते जा रहे हैं और चमकते जा रहे हैं। चमकते हुए पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरी मेट देखिए कहाँ का गमले कर जाती है, मुझे इन्हें हैंड टू हैंड सिमेट्री में ही करना पड़ेगा। ये पौधा तो धुलने के बाद कितना खूबसूरत लगता है, अभी तक मैं इसकी शिफ्टिंग नहीं कर पाई हूँ, मुझ पर कोई गमला ही नहीं है। ये देखिए पानी पड़ता जा रहा है और पौधे साफ होते जा रहे हैं। अगर मैं इनकी टाइम से धुलाई ना करूं तो जाड़े का मौसम है, पत्ते भी इनके पीले पड़ते जाते हैं, हाथ बिल्कुल ठंडे पानी की वजह से सुन्न हो जाते हैं सुबह ही सुबह। लेकिन करना तो है ही, वरना मेरे पौधों की लाइफ ख़राब हो जाएगी, कम हो जाएगी, जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। कितने ग्रेसफुल हो जाते हैं देखिए धुलने के साथ। और ये देखिए मुझे दीवारें भी हाथ के हाथ साफ करनी पड़ती हैं, वरना ये सब गंदी हो जाती है, इनकी टक्करें जो होती हैं दीवार की। और टाइल्स पे भी पानी डालना पड़ेगा मुझे। और अब देखिए हमारा एग जोड़ा कितना चमक लगा रहा है धुलने पर। इसकी पत्तियाँ जाड़ों की वजह से जगह जगह से पीली सी पड़ रही हैं, और पतझड़ का भी टाइम आता जा रहा है इनका। ये तुलसा जी हमारी, रोड के कारण सारे दिन ट्रैफिक रहता है तो इतनी डस्ट हो जाती है। ये देखिए मेरे ऊपर के प्लांट, मैं इनकी डबल ही धुलाई कर देती हूँ, जिससे ये डस्ट एक बार में तो निकलती ही नहीं है, इन पर चिपक जाती है उसकी वजह से। और ये देखिए सारे मेरे चमक गए प्लांट। एक गेंदे का पौधा मेरा सूख भी गया इतनी जल्दी, इसने फूल इतने कम दिए, ज़्यादा अच्छे नहीं दिए, बेकार निकला ये। तो ये धुल गए मेरे सारे प्लांट। अब देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, एक्सोरा, तुलसा जी, और ये मेरा एरुकेरिया, और ये पाम, ये बांस का पौधा बैम्बू प्लांट, ये क्रोटन मनी प्लांट, ये धुलाई से थोड़ा इसका नीचे गिर जाती है स्टेम्स, ये लोलीना का प्लांट, और ये प्लांट तो मुझे पता ही नहीं इसका नाम, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है धुलने के बाद। देखिए इसकी ब्यूटीनेस, और ये मेरा क्रोटन। धनिया मोस्टली मैं काट चुकी हूँ, थोड़ा बहुत ही होगा और बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।